साजिद नाडियाडवाला की फिल्म किक की बात करें तो इस फिल्म ने जबरदस्त कमाई की थी। साथ ही फिल्म में जैकलिन फर्नांडिस और सलमान खान की भूमिका भी लोगों के बीच काफी ज्यादा पसंद की गई। साजिद नाडियाडवाला की ये फिल्म काफी बेहतरीन तरीके से बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस की थी और तभी से ही साजिद नाडियाडवाला ने यह डिसाइड कर लिया था कि मैं इस फिल्म का अगला पार्ट यानी किक 2 बनाऊंगा और इस पर सलमान खान यानी भाईजान ने अपनी सहमति भी जताई थी। एक लंबे समय से किक 2 के बनने की खबरों का बाजार गर्म है और समय समय पर इस फिल्म के बनने पर कुछ न कुछ डिटेल्स आती रहती है, लेकिन इसी बीच खबर आई कि सलमान खान की किक 2 पर काम तेजी से चल रहा है और फिल्म जल्द ही फ्लोर पर जा सकती है। लेकिन इसी बीच एक बड़ा खुलासा होता दिख रहा है। जी हां, बताना चाहेंगे, फिल्म की हीरोइन के तौर पर पहले मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर को लगभग फाइनल कर लिया गया था, लेकिन बाद में जैकलिन फर्नांडिस ने सीधा सलमान खान से बात की और साजिद नाडियाडवाला को मानुषी का आइडिया छोड़ना पड़ा। अब फिल्म में जैकलिन ही फाइनल हो चुकी है। गौरतलब है कि जैकलिन फर्नांडिस ने हाल फिलहाल में कोई नया प्रोजेक्ट साइन नहीं किया है, लेकिन कई फिल्मों के लिए उनके नाम की चर्चा तेजी से चल रही है, जिसमें डेबोरा हेराल्ड और पीटी उषा बायोपिक भी शामिल है। वहीं दूसरी ओर बात करें मानुषी छिल्लर की, तो वो काफी समय से बॉलीवुड में अपना डेब्यू प्रोजेक्ट ढूंढ रही हैं। खबर थी कि यश राज फिल्म्स के साथ मानुषी एक डील कर चुकी हैं, जहां वो अक्षय कुमार के साथ संयुक्त बनी नजर आएंगी। इसके अलावा रणवीर सिंह के साथ भी उनके डेब्यू की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन बीच में ये भी खबर आई कि किक 2 के लिए सलमान खान के अपोजिट मानुषी छिल्लर को फाइनल कर लिया गया है, लेकिन जैकलिन ने सीधे सलमान खान से बात की और साजिद को ये आइडिया छोड़ना पड़ा। वैसे देखा जाए तो किक फिल्म में सलमान और जैकलिन की जोड़ी को लोगों ने काफी ज्यादा सराहा था। इन दोनों की जोड़ी भी फिल्म किक में काफी बेहतरीन तरीके से लग भी रही थी, पर ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि किक 2 में अगर यही जोड़ी एक बार फिर से दर्शकों के सामने पेश होगी तो जाहिर सी बात है इस फिल्म को उतने ही प्यार देंगे जितना कि इस फिल्म के पहले पार्ट को दिया था। ऐसे में आपकी क्या एक्साइटमेंट है फिल्म किक 2 को लेकर, और आपके हिसाब से सलमान खान के अपोजिट क्या जैकलिन फर्नांडिस ही सही रहेगी या फिर बॉलीवुड की और कोई बड़ी एक्ट्रेस जैकलिन की जगह ले सकती है? अपना सुझाव हमें जरूर दें नीचे देखे कमेंट सेक्शन के जरिए।